जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय भैरव बाबा, जय काली मैया, जय माँ पीताम्बरा बगला मुखी। कैसन बा? सही बा, हम भी सही बा। सबसे ज्यादा आजकल जो प्रश्न पूछा जाता है लोगों द्वारा, उनके घर में कोई भी समस्या आती है तो वो पूछते हैं हमारे पितर कैसे हैं। तो मित्रों मित्रों, सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्नों में यही कि हमारे पितर बिगड़ तो नहीं गए, हमारे पितरों को किसी ने बांध तो नहीं दिया, हमारे पितर हैं कि नहीं हैं, हमारे पितर यहाँ हमारे घर में निवास करते हैं कि कहीं बाहर हैं, और पितर तो हमारा काम नहीं बिगाड़ रहे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे, तो इसका मैंने कभी आपको जवाब नहीं दिया, तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ इस मामले में। देखिए, पितर के मामले में बहुत चीज़ें होती हैं मित्रों, पितर के मामले में बहुत चीज़ें होती हैं। और पितर के मामले एक बता दूं, पितर का जो मामला होता है, भैया पिक्चर आ रही है बहुत जोर की, देख रहा हूँ मैं। पितर मामले में ये होता है मित्रों कि अगर पितर अगर आपके बिगड़े हुए हैं तो कैसा पता करेंगे आप? पितर के पता करने का बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे। पहली बात तो, अगर आपकी शादी हो चुकी है, उस शादी को बहुत समय हो गया है, आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है, संतान की प्रॉब्लम चल रही है आपके यहाँ, तो समझ लीजिए आपके पितर बिगड़े हुए हैं। पितरों का कोई ना कोई दोष आपके भाग्य में है। तो ये कई लोग ऐसे होते हैं कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से मतलब मानते नहीं हैं, पितर वगैरह कई चीज़ों को, और घर में तनाव रहता है, क्लेश रहता है, बाहर दिमाग सही रहता है। यार दोस्तों के संग बैठोगे तो दिमाग सही रहेगा आपका, लेकिन घर में आते ही दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, सोच विचार बदल जाते हैं आपकी, थिंकिंग बदल जाती है, और मावश्या, एकासी मावश्या, इनको घर में कलह, झगड़े, फसाद, बात बात में लड़ना, ये सब चीजें पितर बिगड़ने के लक्षण है। मावश्या को कोई बड़ा नुकसान होना, या मावश्या को बार बार सर्प दिखना, सांप दिखना सपने में या ओपन में, इसके बहुत सारे बहुत 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 चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, आपके घर में कोई बड़ी बीमारी लग गई है, और वो बड़ी बीमारी काफ़ी समय से चल रही है, सही नहीं हो रही, और उसका कारण निवारण समझ में नहीं आ रहे, और वो बीमारी बुजुर्गों को लगती है, ठीक है, और बुजुर्गों से आती है बच्चों में, ये पितर दोष के लक्षण बड़े वाले। रात में कोई सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अमावस्या को, पूर्णिमा को, सप्तमी को, द्वादशी को इनको दिखता हो, या फिर गुरुवार को अगर दिखता है तो समझ लीजिए आपके पितर बिगड़े हुए। अब अमूमन ज़्यादातर दिखेगा, ठीक है सर, उसकी मांग रहती है कुछ ना कुछ की, उसके लिए कुछ किया जाए। पितर जब किसी के बिगड़ते हैं, जब किसी घर में पितर दोष आ जाता है, कभी कभी एक बात और ध्यान रखना, लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है कि अगर आपने अपने माँ बाप को दुख दिया है, और वो सीधे सच्चे इंसान है, या आपने दादा दादी को दुख दिया है, वो सीधे सच्चे इंसान है, तो आपके पितर गारंटेड बिगड़ेंगे, गारंटेड। आजकल के बच्चे होते हैं या आजकल की औरतें होती हैं, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, तो उन घर में पितर बिगड़े ही रहते हैं, उन घर में तो नुकसान होता है और दोष भी रहता है भाई। मैं ये घरों में घुसते ही बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा मामला है वहाँ पर। जैसे मैं लोगों को कई जगह कई चीज़ें, तो मैं ऐसी बताता हूँ आपको, क्या बताऊँ मैं, कई चीज़ें ऐसी बताता हूँ, आदमी दांतों तले उंगली दबा देता है। ये सब चीज़ें कुंडली में भी होती हैं, लेकिन कुंडली से पितर दोष कई तरह से निकल के आता है, इसलिए उसको ना देख करके लक्षणों में देखना चाहिए, लक्षणों में। कुंडली में तो बहुत तरह से निकलता है, तो उसमें बताने के लिए तो बहुत तरीके होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कुंडली सही नहीं होती तो पितृ दोष कन्फर्म मालूम नहीं पड़ता है,
लेकिन वही है कि आप कोशिश करिए उसको समझने की। बच्चे अगर बच्चा हो गया बीमार रहता है, वो परेशान करता है, बार बार बीमार पड़ जाता है, उसकी वजह से मन खराब रहता है, या बच्चे हो के मर जा रहे हो पितर दोष है, घर में वस्तुएं गुम हो जाना और मिलना नहीं पितर दोष है, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की तरफ से परेशानी आना कोई किसी प्रकार की घर में पितर दोष है। इन सब चीजों को सही करिए। अमावस्या के दिन एक थाली खाने की निकालिए और किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को खिलाइए, पितरदोष जरूर शांत होगा, जरूर शांत होगा। इसको अमावस्या के अमावस्या आप कर लीजिए नियमित। ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो एक मिठाई का पीस, दो रोटी और सब्जी, बस केवल इतना खिला दीजिए, बस पितर पितर प्रसन्न होने की गारंटी है। जो मिठाई होगी वो सफ़ेद कलर की होगी, या फिर खीर बनवाइए आप, खीर सबसे प्रिय है पितरों को, खीर लीजिए, उसमें छोटा सा तुलसी का पत्ता डालिए और पितरों को खिलाइए। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है मित्रों। पितर अगर बिगड़ गए हों या पितर किसी ने बांध दिए हों, ये इन दोनों में बहुत अंतर है। पितर बांध दिए हों तो उनको पितरों को ताकत दे करके, ताकत कैसे दी जाएगी, पितरों की बाकायदा श्राद्ध करिए, बाकायदा तिथियाँ मालूम हो तो तिथियों को करिए, पुराने जिन तारीखों में गुजरे हों उन पंडित से उन तारीखों को बता के पंचांग से वो निकाल लेगा कि कौन सी तिथि थी। अगर आपको डेट सही ध्यान है, अगर इंग्लिश डेट सही ध्यान है तो उससे कहिए पंडित से जाकर के इस पंचांग इस समय का आप निकालिए, निकाल लेगा, क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज्ड जमाना है, एक मिनट में निकाल के बता देगा आपको उस समय पर क्या तिथि थी, क्या वार था, क्या नक्षत्र था। ठीक है, इस तरह से निकालिए, उस तरह पितर को ताकत दीजिए, अपने पितरों को ताकत दीजिए। ताकत देंगे तो वो दूसरी शक्तियों से वो आज़ाद हो जाएंगे। और पितरों को खाना खिलाते समय कह दें कि ये हमारे घर के पितरों को ही मिले, ये हमारे घर के पितरों को ही मिले। और इन चीज़ों को मैं आपको इतने क्लियर में समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों की जानकारी पूरी नहीं देता आदमी। अब अगर आप उनका नाम नहीं लेंगे कि हमारे पितरों को मिले, ये नहीं कहेंगे, तो वो दूसरी शक्तियाँ आकर के या दूसरे पितर आकर के उसको ले जाते हैं, जो ताकतवर होते हैं। लेकिन अगर आपके पितरों का उसमें आ जाता है कि ये केवल हमारे घर के पितरों को ही मिले, और वो भी हम जिनको कह रहे हैं उन्हीं को मिले, तो उन्हीं को मिलेगा वो। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। और ज़्यादातर मैंने ये अजमाया है और मैंने महसूस किया है, और मेरा हजारों घरों का एक्सपीरियंस है जी, हजारों घरों का। क्योंकि मित्रों मैं कहता हूँ ना कि मेरा हजारों, क्योंकि ये 26-27 साल बल्कि इस चीज़ में तो इतना बड़ा अनुभव हो जाता है, एक एक चीज़ हम छान डालते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कोई ऐब तो है नहीं, ना हम नशेबाज हैं, ना हम अय्याश टाइप हैं, तो हमारा दिमाग एकदम कैच करता है इन चीज़ों को, क्योंकि जिन जो नशे की जिनको आदत होती है उनके दिमाग में ये चीज़ें कैच नहीं होती हैं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ नशा मत करिए, आपको एक एक चीज़ याद रहेगी, एक एक चीज़ पकड़ेंगे आप, गारंटेड माइंड होगा आपका, ब्रिलियंट माइंड जिसको कहते हैं। तो ये नशा नहीं करना चाहिए। और आजकल की पीढ़ी तो बहुत कमज़ोर याददाश्त वाली है, कंप्यूटराइज्ड होने के बावजूद इतने कमज़ोर याददाश्त। तो हम लोगों को 26-27-30 साल का एक्सपीरियंस है, उन आधार पर हम चीज़ें बताते हैं आपको ये। और ये हमारे जो मेरा मतलब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, मेरा जो है वो कईयों ने टेस्ट किया है, तसल्ली ली है मेरी बातों की, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने टेस्ट किया कि इन्होंने अगर किसी चीज़ पर आख्यान दिया है तो किस बेस पर दिया है, तो वो सब चीज़ें बाद में सही निकलती है। तो ये समझ लीजिए 15-15 साल पुरानी चीज़ें, फ़ोन लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे जिनको मैं लिखे आया हूँ कि आपके घर में ये समस्या हो सकती है और ये होगी और ये होने वाली है। तो पितरों का भी ये मुझे बहुत घेरा हुआ है। पितर जब बिगड़ जाते हैं तो आदमी की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, पूछिए मत। पितरों को कभी बांधा नहीं जाता है, ये आपको एक अलग विचित्र चीज़ बता रहा हूँ, बल्कि आपके घर में कोई बड़े देवता, गंदे देवता छोड़ दिए जाते हैं तो पितर उससे उसको जगह को छोड़ कर चले जाते हैं, तो उसको आदमी समझता बद गए वो। पितरों को बांधना इतना आसान नहीं है, बहुत तगड़ी शक्तियाँ ही उनको, बल्कि ऐसा जरूर हो सकता है कि बाहर के किसी ने आकर के, किसी बाहर के ने पितरों को आपके को भोजन दिया बकायदा उनको आपके विरुद्ध कर दिया, मतलब आप दे नहीं रहे होंगे उनको, अगर वो दे रहा होगा तो वो उससे खुश होने लग जाएंगे, तो वो आपके विरुद्ध हो गए एक तरह से, यही होता है।
पितरों को बांधना इतना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी शक्ति होती है पितरों को बांधना, क्योंकि घर का देवता अगर प्रसन्न नहीं होगा तो बाहर का कोई भी देवता आपका काम नहीं कर पाएगा। जब घर के ही बच्चे खुश नहीं होंगे तो आप भगवान को कितना भी मना लीजिए भगवान नहीं मानेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घर में कुछ स्त्रियाँ हों या पुरुष हों या बच्चे हों, अपने घर में तो बड़ा अनादर करते हैं, लोगों का गाली गलौज करते हैं, पत्नियों को मारते हैं बहुत से पति लोग, तो ये लोगों को देवी सेवा या किसी भी मातृशक्ति की सेवा कभी सूट नहीं करती, इन लोगों के हमेशा नुकसान ही होती है उस सेवा से। खूब देखा मैंने, खूब बहुत लोग आते हैं मेरे पास, हम 100-100 माला करते हैं, हम 10-10 माला करते हैं, लेकिन उनका घर का सारा इतिहास खंगोला गया, तो जो अपनी पत्नी के संग बदतमीजी करते हैं, मारपीट भी कर डालते हैं, बच्चों को हड़काते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, तो शेष में उनकी दुर्दशा बनी रही चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर पोस्ट पर हों। ये तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है भाई, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं तो भगवान आपके उस दुख को देख करके आपसे खुश तो कभी नहीं होगा। मेरे पास भी ऐसे लोगों का कोई काम आता तो मैं भी ऐसे लोगों के काम को टालता रहता हूँ, कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है जब आपका व्यवहार सही नहीं है, आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते सही तरह से, तो आप देवता की कृपा पाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। पितरों के लिए एक काम हमेशा करिए, आप क्या करेंगे, थोड़ी सी दूध रोटी बनाइए, ठीक है, दूध रोटी बनाने के बाद दूध रोटी बनाइए अच्छी सी, बड़ी बड़ी रोटी के टुकड़े किए दूध में डालिए, उसमें थोड़ी चीनी डालिए या गुड़ डालिए, पहले खिलाइए गाय को और फिर खिलाइए कुत्ते को, पहले खिलाइए गाय को और फिर खिलाइए कुत्ते को, फिर देखिए पितरों की शांति कैसे होती है। बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, कभी भी पितर बिगड़ रहे हों, ज़्यादा बिगड़ रहे हों और आपको महसूस हो रहा है कि पितर बिगड़ रहे हैं, पार्ले के बिस्कुट या कोई भी बिस्कुट लीजिए, किसी भी वृद्धाश्रम में जाइए जहाँ बहुत बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो उनको सबको बिस्कुट के पैकेट बांट के आइए, आप 2-2 रुपये का पार्ले के पैकेट ले खाली बांट के आइए, पितर आपके बिल्कुल सही होंगे, गारंटेड, कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं। पितरों का एक सबसे अच्छा मंत्र, अचूक मंत्र है, जिसको कहते हैं ओम पितृदेवता भ्यो नमः, ओम पितृदेवता भ्यो नमः, ओम पितृदेवता भ्यो नमः, ठीक है, इस मंत्र को करिए। भयो भय है, ठीक है ना, BHUO भ्यो, ठीक है, इसको करिए आप। और अगर पितरों की ताकत आपको बढ़ानी है तो कम से कम 11 माला करिए इसकी 21 दिन तक, अमावस्या से शुरू होता है, कुछ लेके नहीं बैठना है आपको, केवल माला, या फिर आपको माला नहीं लेनी है तो हाथ से ध्यान देना चाहिए, उस तरह से करना आपको 11 दिन या 21 दिन, दो चीज पकड़ लीजिए, फिर देखिए पितर देवता कैसे खुश होते हैं। साधना में भी सफलता नहीं मिलती जब तक पितर खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहती है। पितर खुश नहीं होते हैं तो बच्चे बढ़ोतरी नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में पीछे होते चले जाते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में पीछे होते चले जाते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, पितर कौन बनते हैं, तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, मुझे बहुत लंबा विषय है जी, पितर कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। देखिए अगर किसी की आयु रह गई है, ठीक है, और वो ये टॉपिक अलग है, वो अकाल मृत्यु मरा है कि कैसे मृत्यु मरा है, अगर वो अकाल मृत्यु मर गया है, उसकी आयु रह गई है, तो वो प्रेत योनि में भी रहता है लगभग आधा, और आधा पितर योनि में भी रहता है, पितर योनि उनके लिए रहता है जो उसके घर वाले हैं, और प्रेत योनि में रहता है वो बाहर वालों के लिए, ठीक है ना, ये सूक्ष्म अंतर है बहुत। और बाहर वालों के लिए वो अकाल मृत्यु मरा है तो प्रेत है, लेकिन घर वालों के लिए वो पितर रूप में ही आ जाता है, घर वालों को कभी वो हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर उसकी मरते समय किसी चीज़ में लालसा रह गई है घर की, किसी वस्तु में उसका मन रह गया है और कोई उस वस्तु का यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, धन में, मकान में, किसी वस्तु में, किसी चीज़ में, जैसे उसको कोई कुर्सी पसंद है उसमें रह गया उसका मन, तो वो सब उसको वो किसी और के हवाले नहीं कर सकता, उसको परेशान करेगा आपको। किसी मकान में रह गया मन, मरने के बाद उस मकान में उसकी ताकत आ जाती है, फिर आत्मा आ जाती है, मन आ जाता है, उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा का वो है पुंज स्रोत, वो उस जगह आ जाता है। वीरेंद्र सिंह को एक गिलास अपना बहुत प्यारा था और काफी लगाव रखता था उस गिलास से, वो चाय भी उसी में पीता था, पानी भी उसी में पीता था,
लेता था, सब उसी में करता था। वो गिलास उसका अलग ही था, उसने पीतल का बड़ा गिलास ले रखा था ऐसा बड़ा, ठीक है। और एक दिन ना अचानक उसकी एक ट्रक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो उसने वैसे कभी किसी को परेशान नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर उसका किसी ने गिलास छीन लिया, जब गिलास उठा के उसको पानी पी लिया, तो वो गिलास हाथ में से उछल के ऐसा दीवार पे टकराता था जैसे किसी ने बहुत जोर से मारा हो उसको। और ये कई बार हुआ, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ इस गिलास में लगता है उनकी किसी ना किसी के कुछ चक्कर है, तो बुलाया किसी को अच्छे जानकार को, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसा मैटर है। तो उन्होंने कहा हाँ साहब, उनको लगाव तो होता है इससे। तो वो सबने उस गिलास को उठाकर ऊपर रख दिया अलमारी के। सफाई करने वाला आया एक दिन, सफेदी हो रही थी, उनकी पुताई चल रही थी। पुताई वाले ने उस गिलास को उठाया नीचे रखने के लिए, पुताई वाले को निशानी समय घुमा के उसने जमीन में फेंका घुमा के, तो वो समझ गए, पुताई वाले को बताया था। फिर उन्होंने उस गिलास को बिल्कुल पैक करके अलग रख दिया। बिल्कुल ऐसा भी होता है, किसी चीज़ विशेष में भी मन रह जाता है आदमी का, पैसे की तो बात बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मरते समय प्रभु हरि की नाम हो, स्मरण हो भगवान का, किसी भी भगवान का, तो आदमी मुक्त हो जाता है, वो बंधनों में नहीं रहता है। वो कब होगा, वो नाम स्मरण कब होगा, जब हमारी भक्ति भाव रहेगा भगवान के प्रति, तो हम अपनी आत्मा से मुक्त होते समय कह देते हैं चलो भगवान। मरते समय भी आदमी फिर यही कहता है, चलो भगवान तुमने इस जन्म से मुझे पार किया, मुझे बहुत खुशी है, और मुझे मेरा बेड़ा पार लगा भगवान, मैं तुम्हारे हवाले हूँ, बस। अगर भक्ति होती है तो, और नहीं तो अगर काम वासना है, मुक्ति नहीं है, काम वासना है मुक्ति नहीं है, किसी भी चीज़ में वासना है, किसी भी चीज़ में मन है आपका, लालसाएँ अतृप्त लालसाएँ, हाय ये भगवान मैंने इतना बढ़िया मकान बनवाया, मैं उसमें रह ही नहीं पाया, हे भगवान मैंने इतनी बड़ी ज़मीन खरीदी उसका क्या होगा, हे भगवान उस तिजोरी में 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें मार देती हैं। माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, शरीर मर जाते हैं लेकिन माया नहीं मरती है, मन भी नहीं मरता है। अब मुझे माया और मन कब नहीं मरता है, जब आपका ध्यान उस माया में ही हो। अगर आपका ध्यान उससे अलग है, अब आप इस जगह आप मुझे ही देख लीजिए, आप सब लोग देने के लिए बैठे हुए हैं, हजारों लोग हैं, चाहे जिससे जो मांग लो वो देने के तैयार है, लेकिन माया में अटकना नहीं है, इसी सिंपल जीवन में रहना है, नहीं बैठना सोने की गद्दी पे, नहीं डोलना 1 करोड़ की कार में, ऐसी तरह सिंपल रहना है। अगर दूसरों के पैसों से, अपने मित्रों के साधकों के पैसों से अगर कोठी बंगले बनाने लगे लोग, तो उन जैसी नीच तक किसमें हो सकती है, किसी में नहीं होती है। मेहनत करिए, कर्म कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म, तो कभी आपकी आत्मा नहीं भटकेगी, कभी आप गलत योनि में नहीं जाएंगे, माया फंसा देती है यहाँ पे आदमी को। हाय मैं तो सोने की अंगूठी पहनूंगा, हाय मैं तो सोने का कड़ा पहनूंगा, मुझे जंजीर चाहिए सोने की, नहीं वो तो माया ही है, उससे आप क्या कर लेंगे, पहन के आप कौन सा तीर मार लेंगे उसको पहन के, केवल आपका एक मन हो जाएगा कि मैंने पैरी, लेकिन उससे आप कुछ कर नहीं सकते, किसी का भी। मिला था मैं एक बहुत दिग्गज होरी से 2011 की बात, हड्डियों की, नेचुरल हड्डियों की माला थी उसके गले में, आजकल के प्लास्टिक वाली नहीं, और उसके संग चेले भी बहुत थे, गाड़ियां भी बहुत थी उसके साथ, वास्तव में कोई था वो हस्ती। बात चली, चर्चा हुई नदी किनारे बैठ के, 3-4 प्रश्न मैंने रख दिए उसके आगे, उसके जवाब दिए उन्होंने, फिर मैंने और 2-4 प्रश्न रख दिए, फिर उनके जवाब दिए उन्होंने 2-4 प्रश्न मुझसे पूछे, मैंने भी उनको जवाब दिए, इतने प्रभावित हो गए मुझसे,
क्योंकि उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का है लेकिन इसमें इतनी जानकारी है। 85 साल के थे उस समय पर, वो 60-60 साल के तो उनके चेले थे। फिर मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें गले में पहन रखी हैं, आपने हड्डी भी पहन रखी है, कपाल में खाना खाते हैं आप, कपालिक भी कहलाते हैं, आपके चेले भी धुरंधर हैं जहाँ तक मैं पता लगा चुका हूँ। मैंने 2-3 चीज़ें उनके बारे में, उनके चेलों के बारे में बताई, तो वो मान गए मुझको। मैंने कहा वाह बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है, अपने आप ही पहचान गया। तब मैंने उनसे कहा था कि महाराज, उन्होंने महाराज मैं देखिए कुछ भी नहीं है मेरे गले में, मेरे हाथों में, और आपने देखिए सोने की अंगूठियाँ पहन रखी हैं, कड़े हैं आपके हाथ में, हड्डियों की माला है, रुद्राक्ष की माला है, चंदन की माला है, स्फटिक की माला है और मोती की माला है, इतनी मालाएँ थी उनके गले में। मगर आप जी बताइए, इनसे क्या हो सकता है, क्या इनसे कुछ चमत्कार हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कि ये भेज दुनिया के लिए, ये भेज दुनिया के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ, दुनिया मूर्ख है, ज्ञान होने के बाद समझ नहीं पाती, इंसान को पहचान नहीं पाती है, वो ढोंगियों की तरफ भागती है दुनिया आजकल की। उन्होंने साफ कहा, आजकल की दुनिया ढोंगियों की तरफ भागती है, ज्ञानी को कभी नहीं पहचानती है, कभी भी नहीं जान पाती कि सिंपल आदमी के पास ज्ञान होता है। जितना बड़ा आडंबर उतना ही बड़ा ढोंगी, जितना बड़ा साज सामान सजाने का। उनसे वो जब तक वो रहे थे, अब पता नहीं अब तो कहाँ है, लेकिन जब तक उन्होंने अपने चेले मुझे मेरे पास भेजते रहे थे मथुरा में मिलने, जब भी वो इधर उनका कोई शिष्य निकल के आता था मेरे पास जरूर मिल के जाता था, इतना मानते थे मुझे वो। तो मित्रों, आप अपने ज्ञान से प्रभावित कीजिए, अपने ढंग से नहीं। मैंने उनसे डिस्कस की थी प्रत्यंगिरा विद्या के जो गूढ़ छंद रहस्य होते हैं, जिनके बारे में आदमी जानता भी नहीं है, आदमी केवल डाल देता है और दूसरों से प्रश्न पूछता है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। मैंने उनसे चर्चा की थी। मंत्र महोदधि के मंत्र उठा करके उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि इस मंत्र को जगाना क्या होता है और चलाना क्या होता है। तो मेरा जवाब सुनिए, महाराज जगाना तो पहले उसमें शक्ति का संचरण करना और उसको ऊपर की तरफ उत्थान करना, उसका उठाना, और चलाना मतलब उसकी शक्ति को जगने के बाद, उसका अनुष्ठान करने के बाद, पूरा करने के बाद उसकी क्रिया को, उस शक्ति को किसी कार्य विशेष के लिए चला के आगे फुरो करना, फुरो मंत्र ईश्वरो आचा, और उस फुरो करने के बाद वो क्रिया करके आ जाए तो फिर क्रिया करके आने के बाद उस मंत्र को ठंडा करना, जिसको कहते हैं क्रिया ठंडी करना। तो मित्रों, वो समझ गए कि भाई ये बच्चा तो है लेकिन चच्चा है। बहुत से ऐसे जुड़े हुए थे उनके मुझसे, और शायद अभी भी एक आध दो जुड़े हुए हैं, वो देख भी रहे होंगे भाई लोग, मनोज पंडित का जैसे राम। चलिए ठीक है मित्र, आपका